अस्सलाम वालेकुम गेमर्स, वेलकम टू द वीडियो। इन दोज पीपल हु आर न्यू ऑन आवर चैनल मोस्ट वेलकम। वीडियो सेलेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड तक देखिएगा काइंडली। तो आप देख रहे होंगे बैग पैक के अंदर मेरे कुछ कॉइन्स दिख रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स। एक्चुअली ये वीडियो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ 31st को शेयर करूँगी, तो मैं शेयर कर रही हूँ। बैग पैक पे आपको जो दिख रहे होंगे गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन्स, एक्चुअली ये हैं क्लाउन टोकन। और न्यू मोड आ गया, 31st को आना था क्लाउन मोड, जो कि आपकी मैंने कहा था रिडम हीरो अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए आपके दो चीज़ें जो बाकी थी वो मैंने कहा था आपको मैं अगली वीडियो में जब ये मोड आ जाएगा तो आपके साथ शेयर करूंगी। अब आप देखें क्लाउन टोकन तो हमने जमा कर लिए हैं। अब जो मैप में जो आपको क्लाउन के फेसेस दिख रहे थे, ये क्लाउन शॉप है, तो वहाँ पे जो है आपको ये क्लाउन शॉप मिल जाएगी। आप मार्क वर्क लगा के पहुँच जाएं और सीधा हमने यहाँ पे क्लाउन टोकन यूज करने हैं और आपकी ये अचीवमेंट हो जाएगी। टोकन आप 10 जमा कर लें, यहाँ पे टोकन यूज कर लें। अब बहुत जरूरी बात बताने जा रही हूँ, आप ये देख लें। अब देखें यहाँ पे हमें लूट मिल रही है टोकन्स के बदले में, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स के बदले में हमें लूट मिल रही है लेवल 3 और 2 की एंड सम एक्स्ट्रा स्टॉक। लेकिन आपको एक रिकमेंडेशन दूंगी कि आप ये चीजें लेने के बजाय आप दूसरी चीजें लें, क्योंकि ये तो आपको लूट के दौरान भी मिल जाएंगी। और अगर तो आप टीममेट्स के साथ हैं तो फिर चाहे तो आप ये लूट ले सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे टीममेट जो है वो आपके साथ जो है ये वाली चीजें ले लेंगे जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। तो आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मिलने वाली हैं। 3 चीजें मैं आपको बताती हूँ, ये आप गोल्ड कॉइन्स के जरिए से आप ले सकते हैं। पहली चीज जो है आपको बताएगी कि प्ले जोन कहाँ बनने वाला है नेक्स्ट। देखें ये आपके लगेंगे गोल्ड कॉइन, इसमें तो आपने ये लगाना है, उससे आपको पता लग जाएगा कि नेक्स्ट जोन कहाँ बनने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इससे आप जो है आगे के प्लान जो है कर सकते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। तो ये गोल्ड कॉइन लगा के हम देखते हैं कि नेक्स्ट जोन कहाँ बन रहा है, ताकि आपको दिख जाए कि इसका यूज क्या है, ठीक है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा गोल्ड पॉइंट्स हैं तो फिर आप ऊपर वाली चीजें भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जोन बन रहा है, ये जो येलो मार्क हमारे पास आ गया है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जोन बनेगा। आप मार्क करके अपना जो है सेव कर लें, और ये मैं लगा देती हूँ, बाद में आगे जाके देखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके अंदर आपको ड्रॉप की लोकेशन पता लग जाएगी। एक तरह से दिख रहा ही होगा ना, ड्रॉप के ऊपर मार्क आ रहा है, तो इससे हमें ड्रॉप की लोकेशन पता लग जाएगी। और ये देखें ऊपर ड्रॉप की हमारे पास लोकेशन भी आ गई है, तो हम वहाँ जाके देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ड्रॉप आना है कि नहीं आना। वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले थर्ड वाली का मैं आपको बता दूँ। थर्ड वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो लिटिल बिट सिमिलर है, ये जो हमें पावर्स दी गई हैं उन्हीं से हमें एनिमीज की लोकेशन पता लगेगी, लेकिन इसके अंदर जो है नहीं पता लग सकी, क्योंकि ये इसमें आई थिंक बोर्ड्स थे, एंड यू नो कि बोर्ड्स को ना हम स्पेक्टेट कर सकते हैं, तो उनकी लोकेशन भी नहीं पता लग रही ना, तो इसीलिए जो है आप ये वाली पावर वैसे तो ईजी है, समझ ही जाएंगे। हो सका तो मैं आगे दोबारा जो है उसी आईडी में करके आपको दिखा दूंगी। तो इसके अंदर जो है ना आपको लोकेशंस का पता लग जाएगा, और बस ये तीनों पावर्स हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि आपने जो रिदम हीरो वाली अचीवमेंट करनी है वो कॉइन्स जमा करने हैं, गोल्ड सिल्वर कोई से भी हों कॉइन्स आप वो जमा कर सकते हैं 10। आपकी एक वो हो जाएगी क्लाउन शॉप में से, और जो क्लाउन शॉप यूज़ करनी है वो तो आपने यूज़ कर ही ली, जो गोल्ड कॉइन वगैरह यूज़ किए तो आपकी ये अचीवमेंट हो जाएगी। और बाकी तो रिदम हीरो मोड में जो पावर यूज़ करनी थी तीनों की तीनों, और आपको ग्लाइडर यूज़ करना था, गेम यूज़ करना था, वो अगर आपने वैसे तो कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो आप अभी भी कर सकते हैं, और अभी क्लाउन शॉप वाली जो दो चीज़ें हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो आप देखें जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वहीं पर हमारे पास ड्रॉप आया है, और हमारा जो अगला वाइट जोन बना है सेफ जोन वो भी उसी लोकेशन पर है जो हमें क्लाउन शॉप से पता लगी थी। तो इस तरीके से जो है ना आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इसके। तो आपको मैं अभी अपने अचीवमेंट में जाके भी दिखा देती हूँ इसके कि भाई आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं, और जो अचीवमेंट है ये दोनों चीज़ें करने से आपकी अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और एक और बात, ये जो छोटी मोटी अचीवमेंट आती है ना ये कम्प्लीट कर लिया करें ईजी वाली, क्योंकि अचीवमेंट पॉइंट्स मायने रखते हैं, क्योंकि जो कि हमें अचीवमेंट पॉइंट्स के रिवॉर्ड होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं, तो जितने ज़्यादा अचीवमेंट पॉइंट होंगे उतने ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ये देखें लास्ट के जो दो पॉइंट हैं, गेट 10 क्लाउन टोकन्स, तो ये आपने वो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन्स जमा करने हैं, ठीक है, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो, बस आपने 10 उठाने हैं, तो ये वाला हो जाएगा। और यूज़ द क्लाउन शॉप 1 टाइम, और ये आपने क्लाउन शॉप 1 टाइम यूज़ करनी है, वही जो आपने टोकन्स यूज़ किए थे ये वही चीज़ है, 1 टाइम आपने यूज़ करनी है, उसके बाद आपके ये अचीवमेंट हो जाएगा कम्प्लीट। और जैसे कि मैंने कहा ऊपर वाली अचीवमेंट अगर आपने नहीं की हुई तो भी वो आप कर सकते हैं, आपने जस्ट पावर यूज़ करनी है तीनों एक एक बार, और आपने ग्लाइडर यूज़ करना है, और आपने वो जो गेम है वो खेलना है। बहुत इजी अचीवमेंट है ये, आप कर सकते हैं इजीली, एक गेम में भी हो जाएगा। बस यही आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक कर दें वीडियो को, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।